गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सकाल गुरुत्वपूर्ण खबर में पुणि थे आपण मैं स्वागत करुच्चे मुझिता फ्रेंड्स। प्रत्येक दिन भली बहुत गुडिये बचा बचा खबर सहित जहाँकि योजना निजुक्ति नुआ नुआ बड़ बड़ घोषणा सहित राजनीति भली गुरुत्वपूर्ण एक खबर भिडे रही महामारी के आक्रांत क्यों जिले के सुस्थ होती संपूर्ण खबर आम यही भिड मध्यम रही तेणु आपण मैंने दुई मिनिट अधिक समय दे यही भिड को शेष पर्यंत देखु एवं आज दिन खबर जानापी आपण को कौन भिड कि न्यूज पेपर देखा पड़ेनि से चलत डेरी भिड उपर नजर पकड़ा नजर पकवा पूर्व जदि आम चैनल नुआ हो भिड देखुं तो तले दी नाली रंगर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर पाखे घंटी चिन्ह को देवे अल् नोटिफिकेशन को दबाई दिंतु कारण प्रतिदिन एमती लाटेस्ट अपडेट हेल्पफुल भिड सर्वप्रथम पाइबापी आम सह जोड़ रही था जहाद्वारा आम जब नुआ भिड आपण पहुँच सर्वप्रथमें नंबर एक रथ यात्रा को आसला पुणी बड़ खबर आज बड़दाण में बाहुड़े कला ठाकुर तेणु गत का पुरी में 48 घंटा कर्फ्यू लागू होगा सहित अर्थात गत का रात 8 21 तारीख रात 8 जाए पुरी में लागू होर्फ्यू ए अमानिया नजर रखा 20 स्क्वाड गठन कर तेब स्क्वाड्रे जड़े मजिस्ट्रेट पुलिस टीम उभय ग्राम रे जहाँकि प्रत्येक 20 मीटर दूरतार बड़दाण में रे गोटे लेखाएं स्क्वाड जहाँफल अमानिया सब कार्य क्वेत होगासह पर उपरी कार्यानुषान ग्रहण हो सूचना प्रदान कर नंबर दुई स्कूल खोलने आसला पुणी बड़ खबर महामारी कटका भितरी राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति एणिकी 6 मास पर जुलाई 26 राज्य में खोल स्कूल एवं अपराह 4 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी बैठक बस तेरे स्कूल खोल पूर्व स्कूल में परिष्कार परिच्छनता महामारी कालीन पालन पर स्थित अनुधान नहीं बैठक आलोचना हो एवं यहसह गाइडलाइन कड़ाकड़ी नियम पालन नहीं बैठक आलोचना कर सूचना प्रदान करते गणशिक्षा मंत्री एवं स्कूल स्थिति अनुधान करने को नोडल अफिसर मैंने समस्त जिलाग्रस्त करेंगे। नंबर तीन बस चलाचल को आसला पुणी बड़ खबर महामारी कटका राज्य में बंद पड़ा मो बस चलाचल आज चलो एथप महामारी कटका मध्य चलप्रचल करने को निर्देश रही केवल 16 रूट मिल मो बस सेवा जहाँकि सकाल 7 संध्या 6 जाए भुवनेश्वर कटक खोर्धापी मिल बस तेज बस रे यात्रा करने को हेले मास्क पिंधा जरूरी एवं बस रे जी सीट से यात्री ही यात्रा करें। नंबर 4 आसला पुणी समस्त मैट्रिक छात्र छात्री बहुत बड़ खबर मैट्रिक छात्र छात्री ऑफलाइन परीक्षा आसंता 30 अगस्त 5 जाए हे तेरे जिला और ब्लॉक मुख्यालय परीक्षा केन्द्र होबे महामारी गाइडलाइन परीक्षा देवे छात्र छात्री और बिना मास्क कौन छात्र छात्री परीक्षा दे पारे ना नुआ निर्देशनामा जारी एसत परीक्षा सरवापर 10-15 दिन भितर खाता मूल्यांकन होगस्ट 22 तारीख सुधा फल प्रकाश पाइब एने गणशिक्षा सचिव सत्यव्रत साहू कहते। नंबर 5 अंतर्जात बजार ह्रास पाइब तेल दर विश्व में महामारी संक्रमित थमु नाला सत्वे केतेक राष्ट्र लॉकडाउन कटका कोहल कर लगी एथजु तेल चाहिदा वृद्धि पाइबे लगी दृष्टि रखी पेट्रोलियम रप्तानिकारी राष्ट्र संगठन अशोधित तेल रप्तानी वृद्धि पर निष्पत्ति नहीं जहाद्वारा अंतर्जात बजार तेल दर ह्रास पाइब भारत को फायदा मिले आशा कर तेरे मिली सूचना मुताबक निकटने ओपेक राष्ट्रगुड़ी एक बैठक बसला जहाँकि विश्वव्यापी तैल दर चाहिदा बढ़ुवर उत्पादन तुरंत वृद्धि पाइबा आवश्यक मत प्रकाश पाई। नंबर 6 आसंता 24 घंटा मधे राज्यर अधिकांश जिले में प्रबल वर्षा संभावना आसंता 24 घंटा मधे राज्यर 5 जिले में प्रबल वर्षा संभावना नहीं पाणीपा केन्द्र पक्ष येलो वार्निंग जारी कराई तेज से जिलागुड़िकला नुआपड़ा कलाहांडी केन्दुझर कंधमाल देवगड़ रही एसत मलकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गजपति नवरंगपुर नुआपड़ा कलाहांडी बलांगीर बरगड़ बौद्ध सुवर्णपुर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा देवगड़ मयूरभंज केन्दुझर कंधमाल आदि जिले में कालबैशी होवार संभावना रही। नंबर 7 महामारी कटका को देखी गाइडलाइन जारी कला बीएमसी राज्य में महामारी कटका को सामान्य कोहल कराइबा बेले 100% क्षमता सहित अफिस् चलवा निम्ते अनुमति मिली जहाँकि रविवार भुवनेश्वर महानगर निगम पक्ष राजधानी समस्त सरकारी और बेसरकारी कार्यालय गाइडलाइन जारी कर गाइडलाइन उल्लंघन कले कार्यालय को बंद करएमसी पक्ष एवं 100% क्षमतार कार्य करुले हे कार्यालय समस्त कर्मी सामयिक दूरता नियमर पालन करेंगे एवं सहित मास्क पिंधा सहित हाथ सानिटाइज करने बाध्यतामूलक कर उल्लंघन हेले बीएमसी पक्ष कड़ा कार्यानुषान ग्रहण बीएमसी कमिशनर संजय सिंह प्रकाश कर। नंबर 8 एणिकी पोस्ट ऑफिस रे हेबो आयकर रिटर्न
देशर समस्त करदाता रिटर्न दाखल करने प्रक्रिया आहरी सहज कर आयकर विभाग जहाँकि वर्तमान करदाता निकट डाकघर से आयकर रिटर्न दाखल करेंगे कहुई यह पूर्व 14 जुलाई इंडियन पोस्ट पक्षर ट्विट कर सूचना प्रदान कर तेज देशव्यापी डाकघर सीएससी काउंटर में लोक डाक बैंकिंग एवं बीमा भली सेवा मिल पार्टी यहस सरकार डिजिटल इंडियन कार्यक्रम अधीन लोक इलेक्ट्रॉनिक्स सेवा प्रदान कर नंबर 9 उत्तर प्रदेश जावाक चाहूल जाणी रखु सरकार नुआ नियम महामारी स्थित सुधुवा मध्य तृतीय लहर आशंका भय बढ़े यार अर्थ सामान्य असावधानता भारी पड़पे एने राज्य सरकार को केन्द्र परामर्श कर राज्यगुड़िकटक बढ़ेवा पदक्षेप ने बोली उत्तर प्रदेश सरकार महामारी प्रोटोकल पालन परष्पत्ति तेबे सेठाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते जे उत्तर प्रदेश को आसुवा लोकमान स्वतंत्र मार्गदर्शिका जारी करते जहाँकि आसवा पूर्व 48 घंटा पूर्व आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट बाध्यतामूलक कर नंबर 10 आसला पुणी समस्त ओडिशार कर्मचारी बहुत बड़ खबर राज्य सरकार अधीन काम कर ग्रुप सी कर्मचारी बड़ घोषणा करते सरकार एणिकी से पदोन्नति लगी आउ 5 वर्ष सीसीआर किंबा पारदर्शिका रिपोर्ट आवश्यकता पड़ा ना यह बदल में संप्रक्त कर्मचारी काम करिष्ठ अधिकारी गोटे मात्र मंतव्य परवर्त पहाच पढ़ा अर्थात पदोन्नति देवार सहायक हो एथने 1992 मसीह ओडिशा प्रशासनिक सेवारे पदोन्नति नियमावली को सरकार संशोधन करते राज्य कैबिनेट यार उपर मोहर लगे मुख्य शासन सचिव सुरेश महापात्र यह कहते नंबर 11 महामारी टेस्ट माइल खुंट स्थापन कला ओडिशा महामारी टेस्ट ओडिशार रेकर्ड जहाँकि महामारी टेस्ट माइल खुंट स्थापन करा एवं राज्य में 1.5 कोटी अधिक महामारी टेस्ट कर तेज ए मुख्यमंत्री नवीन पंडायक स्वास्थ्यकर्मी को प्रशंसा करते स्वास्थ्यकर्मी आक्रांत परिश्रम एवं अधिक टेस्ट ओडिशा को महामारी विरुद्ध युद्ध शक्तिशाली कर समस्त प्रशंसा कर नंबर 12 यही चाषीों पर मुख्यमंत्री गले आर्थिक सहायता ओमफेड दुग्ध चाषीों पर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक महामारी सहायता घोषणा करती सहायता प्रति दुग्ध चाषी को गोखाद्य खर्च बाबदे सर्वाधिक 6,000 टंका पर्यंत सहायता जोगे दिव ए 11 कोटी टंका खर्च हो राज्यर 1,20,000 दुग्ध चाषी एकृत हो पारे तेब घोषणा कर मुख्यमंत्री कहते महामारी ओडिशा समेत सारा विश्व अर्थनीति उपरे गुरुतर भाव प्रभाव पकाई एवं अर्थनीतिर प्राय अन्य समस्त क्षेत्र मंदा अवस्था थी केवल कृषि और आनुष्ठानिक क्षेत्र संजीवनी पर आम अर्थनीति को शक्त जगह से सूचना प्रदान कर नंबर 13 यही दिन मानक दिव गर्भवती मान टीका महामारी मुकाबला सरकार टीकाकरण अभियान को जोरदार करती यार भितर राज्य में गर्भवती टीकाकरण प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी प्रति बुधवार और शनिवार गर्भवती महिला को टीका दिव जहाँकि आसंता 21 तारीख से टीकाकरण आरंभ हो तेज कैपिटल हॉस्पिटल समेत समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र टीकादान एथपी निज सांगे एएनएससी रजिस्ट्रेशन एवं एमसीपी कार्ड आनवाक होबात आधार कार्ड पैन कार्ड बा गाड़ी लाइसेंस भली कौन सी परिचय पत्र आनवे नंबर 14 यही परिवार को 2 लाख टंका लेखे अनुकंपामूलक राशि घोषणा कले प्रधानमंत्री मुंबई में प्रबल वर्षा हेतु 2टी भिन्न स्थान में घर भूसुड़ी मृत्यु संख्या 19 को वृद्धि पाई तेज मृतक परिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संवेदना जनवा 2 लाख टंका लेखे अनुकंपामूलक सहायता राशि घोषणा करते तेज कांत भूसुड़ी 19 जन मृत्यु होता सूचना मिली तेज गत काली चेम्बूर भारत नगर अंचल यह घटी अघटन और भूस्खलन जो कांत भूसुड़ी पड़ता जमापड़ी तेज घटनास्थल में वर्तमान सुधा सुलहजनक हाथ अवस्था उद्धार पाई आहरी किसी लोक फसी रही घटनास्थल में एनडीआरएफ टीम सह अग्निशम बाहिनी पहुंची उद्धार कार्य जारी रखिंट नंबर 15 मुख्यमंत्री नवीन पंडायक घोषणा कले आर्थिक पैकेज निर्माण श्रमिकों पर 385 कोटी टंका स्वतंत्र महामारी सहायता आज यार शुभारंभ करते मुख्यमंत्री नवीन पंडायक तेज भिसी जरिया कार्यक्रम शुभारंभ करते मुख्यमंत्री तेज राज्यर 9टी जिले में 8टी स्थान में कार्यक्रम आयोजन कराकि ब्लक विडो सह श्रम श्रमिक कर्मचारी एवं राज्य बीमा विभाग अधिकारी एवं निर्माण श्रमिक मैंने भिसी जोड़े सामिल होते प्रत्येक श्रमिकों को 1,500 टंका लेखा स्वतंत्र महामारी सहायता दि जाएगी जहाँकि ओडिशार पखापाखि 1,65,00,000 श्रमिक अच्छा सेम 31,00,000 श्रमिक थी पखापाखि 13,00,000 बाहर राज्य आसी इठारे काम कर
তেবে অপরপক্ষে যে গত বর্ষ হাতক হাত সেই লেবর কার্ডে টঙ্কা বণ্টা যাই 1500 টঙ্কা লেখা এবে সেই প্রক্রিয়া বন্ধ হয়েছে এবে আপনার ব্যাঙ্ক আকাউন্টকে সিধা সালক সেই লেবর কার্ডর টঙ্কা আসবে যাকে আপনার যদি এবে সেই লেবর কার্ড লিঙ্ক অছে তাহলে আপনার শীঘ্র এই টঙ্কা মিলবা যাচ্ছে নম্বর 16 টিকাকুনি আসলে পুঁ বড় খবর মহামারী সংক্রমিত দেশবাসী সুরক্ষা প্রদান লাগে কেন্দ্র সরকার টিকাকরণ গুরুত্ব দেওয়া যাকে 2022-23 আর্থিক বর্ষ পূর্ব অধিকাংশ লোক টিকা প্রদান শনিবার উভয় সেরম এবং ভারত বায়োটেক অর্ডর দিয়েছেন তবে কেন্দ্র সরকার প্রায় 14,505 কোটি টাকার 67 কোটি ডোজ টিকা বরাদ করেছেন তবে উভয় কোভ্যাক্সিন এবং কোভিশিল্ড টিকা এই অর্ডর দিয়েছে তবে 16 কোটি ডোজ ক্রয় মূল্য সংশোধন করা যাইছে এবং টিকস বাদে কোভিশিল্ড 205 টাকা এবং কোভ্যাক্সিন 215 টাকার কিণাযা বলে জনাপড়ছে নম্বর 17 এই দিন সুদ্ধা ভারতের ছুঁব তৃতীয় লহর মহামারী দ্বিতীয় লহর প্রকোপ থমি নথিবাবলে তৃতীয় তরঙ্গ নিয়ে আশঙ্কা বড়ছে এসে হু মধ্য বিশ্বকু চেতাই দিয়েছি যে বর্তমান আমি তৃতীয় লহর প্রাথমিক পর্যায়ে অছু তবে অগস্ট শেষ সুদ্ধা এবং ভারতক আসিপারে বলে বৈজ্ঞানিক মানে মত দিয়েছেন তবে এনে আইসিএমআর পক্ষ কুহযাই এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠন হু সমেত সমগ্র বিশ্বরে বিশেষজ্ঞ মানে কেছেন যে তৃতীয় তরঙ্গ আরম্ভ হয়ে সারা এপাই আমি ব্যাপক সতর্কতা অবলম্বন করা পড়ে বলে সে সূচনা প্রদান করেছেন নম্বর 18 বিএসএনএল গ্রাহক আসলা পুঁ বড় খবর দেশের অন্যতম সরকারি টেলিকম কোম্পানি বিএসএনএল নিজ গ্রাহক মানুষ এক জবরদস্ত অফর লঞ্চ করেছে যাকে বিএসএনএল দ্বারা জারি হয়ে 599 টাকা প্লানে গ্রাহক মানুষ জুলাই 21 তারিখ রাতে অনলিমিটেড ডাটা সুবিধা মিলি পার তবে আগক ইত আসুবার কোম্পানি পক্ষ এই পদক্ষেপ নিয়েছে বলে জনাপড়ছে যাকে জুলাই 21 তারিখর গ্রাহক মানুষ রাতে 12টার ভোর 5টা পর্যন্ত অনলিমিটেড ডাটা সুবিধা মিলি পার এই সময় মধ্যে গ্রাহক মানে হাইস্পিড ডাটা মধ্যে ব্যবহার করে পারবে নম্বর 19 সেবায়তঙ্ আর্থিক সহায়তা ঘোষণা পুরী শ্রীমন্দির সেবায়তঙ্ আর্থিক সাহায্য ঘোষণা কলা শ্রীমন্দির প্রশাসন যাকে মহামারী পরিপ্রেক্ষী প্রত্যেক সেবায়ত পরিবার মিলব 10,000 টাকার অনুকম্পা রাশি যাকে 2,463টি সেবায়ত পরিবার এই আর্থিক সহায়তা মিলব নম্বর 20 শ্রমিক ভূমিহীন চাষী 590 কোটি টাকা ঋণ ছাড় কলা এই সরকার পঞ্জাবর ক্যাপ্টেন অমরিন্দন সরকার রাজ্যের চাষী বড় উপহার দিয়েছেন যাকে পঞ্জাব সরকার বুধবার কৃষি ঋণ ছাড় যোজনা অন্তর্গত শ্রমিক এবং ভূমিহীন চাষী 590 কোটি টাকার ঋণ ছাড় করা নিয়ে বড় ঘোষণা করেছেন জনে সরকারি মুখপাত্র জাতীয় গণমাধ্যমকে এই বৈঠক পরে কেছেন যে আগামী অগস্ট 20 পরে জাতীয় স্তরীয় সমারোহের এই ঘোষণা অনুসারে চেক জারি করে দিয়া বলে সে সূচনা প্রদান করেছেন এবং সেঠাকার মুখ্যমন্ত্রী আহরি মধ্যে কেছেন যে পঞ্জাব সরকার প্রাথমিক কৃষি সেবা সমবায় সমিতির 2,85,325 সদস্য 520 কোটি টাকার ঋণ পৈঠ করবে এটির প্রত্যেক সদস্য 20,000 টাকার আশ্বস্তি মিলব সে অর্থ এবং সেবা সমবায় বিভাগ তৃণমূল স্তরে লাগু করা প্রক্রিয়া আরম্ভ করা আদেশ দিয়েছেন বলে সে স্পষ্ট সূচনা প্রদান করেছেন নম্বর 20 আসিলা পুঁ পিএম কিষান যোজনা কু নিয়ে বহুত বড় খবর প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মানিধি যোজনা অধীনরে সরকার কৃষক মানুষ আর্থিক সহায়তা প্রদান করছেন এটির 2,000 টাকা লেখে 3টি কিস্তির সিধাসখ কৃষক আকাউন্টক পঠা যায় এবং বর্তমান পর্যন্ত 8টি কিস্তির কৃষক আকাউন্টক পঠাইছে সেই টঙ্কা এবং বর্তমান কৃষক মানে নবম কিস্তি অপেক্ষা করে রয়েছেন তবে বর্তমান এই পিএম কিষান যোজনাকে নিয়ে আসিছে পুঁ বড় খবর যাকে অনেক ব্যবস্থা অছি যা কৃষক মানুষ অযোগ্য করে থাকে যদি কৃষক পরিবার কে ট্যাক্স দিকে তবে এই যোজনার লাভ উপলব্ধ হব না তা হচ্ছে যদি পত্নীপতি মধ্যে কে গত বর্ষ আয়কর প্রদান করছেন তবে সে এই যোজনার লাভ পাইপারে না